बाड़मेर जिले के समंदरी कस्बे के एक व्यक्ति की कांगो बीमारी से हुई मौत के बाद चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने सभी पशुपालकों को पशुओं के पास जाने पर सावधानी रखने के साथ कांगो बीमारी के लक्षण व इसके उपचार को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बाड़मेर जिले में बारिश के मौसम के बाद अब मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग को अब स्वाइन फ्लू और कांगो बीमारी का खतरा भी चिंता में डाले हुए है। पिछले कई वर्षों से मानसून के बाद फैलने वाले स्वाइन फ्लू को लेकर जहां चिकित्सा महकमा सतर्क नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर समदरी कस्बे में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की कांगो बीमारी से हुई मौत के बाद चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट पर आ गया है। प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने सभी पशुपालकों को पशुओं के पास जाने से पहले दस्ताने पहनने, शूज पहनने के साथ ही सावधानी रखने की सलाह दी है। उन्होंने कांगो बीमारी के लक्षण व इसके उपचार को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कांगो फीवर जो अभी हाल ही में अपने जोधपुर जिले में रिपोर्ट हुआ है, और ये कांगो क्रीमिया फीवर एक तरह की वायरल डिजीज है जो पशुओं के माध्यम से, पशुओं में जो छींचड़े होते हैं तो वो परजीवी उनके चिपका रहता है, उनसे इन्फेक्टेड होने और आम पशुओं और उन छींचड़ों के संपर्क आने के बाद तो अपने में भी वो वायरस आ जाता है। तो ये कांगो फीवर एक तरह से डेंगू से मिलता जुलता ही बुखार है, उसी में ही डेंगू में भी जैसे जिस तरह से जोड़ों में दर्द, बुखार आना, शरीर में लाल लाल दाने, चक्के पड़ने और लास्ट में जब ज़्यादा होता है तो हेमरेजिक में ये कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये मरीज की डेथ हो जाती है। और इसमें प्लेटलेट्स की भी कम हो जाती है और साथ में आईवी मतलब फ्लूड का भी शरीर में कमी हो जाती है। तो एक तरह से ये इससे मिलती जुलती बीमारी है, सभी आमजन को इससे साफ सफाई और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये स्वाइन फ्लू की तरह ड्रॉपलेट के माध्यम से नहीं फैलता है, इसीलिए इसमें वो इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपका पशु और आपके छींचड़ वो उस एरिया में इन्फेक्टेड है तो आप जरूर पशु को हैंडल करते हो या तो उसके आसपास जाते हो तो कम से कम आप जूते पहन कर जाएँ, नंगे पाँव नहीं जाएँ, ताकि आपके शरीर में उसके पशु के फ्लू से या छींचड़ इन्फेक्ट है तो आपको वो वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं करें। मानसून के बाद अब सीमावर्ती जिला मौसमी बीमारियों की जकड़न में है। इसके साथ ही मलेरिया, डेंगू व स्वाइन फ्लू के बाद अब कांगो जैसी जानलेवा बीमारी का डर भी फैल रहा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है और इन बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए लोगों में जागरूकता करने के साथ ही अन्य आवश्यक इंतजाम भी कर रहा है।